हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन। आज मैं नाम सौरभ सहा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी सीन को काफी अच्छे से और आसानी से कंपोज कर सकते हैं और काफी अच्छे और डायनामिक मोड पे। तो इसी के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल ड्रॉ किया। सबसे पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये मेरी जो स्केचबुक में एक बहुत ही सिंपल सा कॉम्पोजिशन किया है जिसको कि आप अभी देख रहे हैं। तो ये मैंने इंडोर गेम्स के लिए एक कॉम्पोजिशन ड्रॉ किया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंडोर गेम टेबल के ऊपर खेला जा रहा है और यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर बैकग्राउंड में उसको पूरे सजेस्ट करने के लिए है ताकि एक पूरा सीन बन सके कि जिसमें कोई दो आदमी कुछ खेल रहे हैं इंडोर गेम। तो उसके लिए मैंने एक पूरे टी स्टॉल का सीन क्रिएट किया है जहाँ पर नॉर्मली लोग कुछ ऐसे खेल सकते हैं। तो जिसमें मैंने दो आदमी जो मेन हमारे सेंट्रल फिगर्स है उनको काफी डिटेलली बनाया है और काफी रिलैक्स पोजिशन पे बनाया है। ज्यादातर हम क्या करते हैं कि हमारी जो ड्राइंग्स है उनको स्टिफ बना देते हैं और कुछ उतना डायनामिक पोजेस नहीं होते हैं, इसलिए वो काफी अनरियलिस्टिक लगते हैं। मैंने क्या किया है, ये मेन फिगर है हमारा, इसको काफी हंच्ड बैक और रिलैक्स्ड पोजीशन में बनाया है ताकि हमें एक नेचुरल फील आ पाए। उसके साथ साथ जो हमारा सेकेंडरी कैरेक्टर है हमारे ड्राइंग का, वो भी एक नेचुरल पोजीशन पे है जो कि हमने काफी सारा स्टडी करके कि ह्यूमन फिगर कैसे सिट करते तो उसको देख कर हमने बनाया है। तो इसी तरह से हम आज एक और एक कंपोजिशन करेंगे सेम टॉपिक पे इंडोर गेम्स के ऊपर और दो फिगर्स को लेके एक कैसे अच्छा कंपोजिशन बनाया जाता है ये हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्केचबुक को यूज करके कॉम्पोजिशन के ऊपर जो जो आप कर सकते हैं वो आप बनाएंगे। तो सबसे पहले आप काफी सारे रेक्टेंगल्स ड्रॉ कीजिए और देखिए कि आपको मेन कॉम्पोजिशन क्या ड्रॉ करना है। फाइनल कॉम्पोजिशन सबसे पहले एक लैंडस्केप फॉर्म लीजिए, उसके बाद एक पोर्ट्रेट फॉर्म, क्योंकि आपको दोनों में चेक करना है कि आप क्या बनाएंगे। तो हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो है इंडोर गेम्स। तो उसके लिए हमें इंडोर गेम्स के ऊपर क्या चाहिए कि टू पीपल जो कि उसे खेलेंगे। तो उसके लिए हमें दो पीपल उसे खेलते हुए दिखाने के लिए एक टेबल के ऊपर कोई गेम होगा जिसे कि दो पीपल खेलते हुए दिखाना है हमें। तो इसके लिए हम काफी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पोजिशंस कर सकते हैं। या तो हम कर सकते हैं कि एक ऐसा सिंपल कॉम्पोजिशन जहां पर बीच में ऐसा एक टेबल है जहां पर ऊपर एक बोर्ड कोई है जहां पर कुछ गेम चल रहे हैं और साइड में दो लोग उसे खेल रहे हैं, ऐसा एक कंपोजिशन हम बना सकते हैं। ये कंपोजिशन काफी आसान हो सकता है लेकिन उतना डायनेमिक और रियलिस्टिक नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक 3/4 व्यू एंगल से बनाएंगे। अगर यह हमारा एक स्क्वायर है, हम इसे सामने से देखें तो एक सिंपल स्क्वायर लग सकता है, लेकिन अगर यही स्क्वायर को हम बहुत ही डायनेमिक पोजीशन में, अगर ये स्क्वायर को हम क्यूब में चेंज करें उसके बाद एक 3/4 व्यू में डायनेमिक एंगल से देखें, ये सिंपल सा स्क्वायर भी काफी इंटरेस्टिंग दिख सकता है। पर पर्सपेक्टिव का यूज करके हम ऐसा डायनामिक पोज में काफी अच्छा दिख सकता है ये स्क्वायर भी। तो इसी तरह से सेम गेम को इसमें दो आदमी खेल रहा है, हमारा मेन जो सेटअप है वो कैसा है कि एक यहाँ पर सीन है जिसमें एक बीच में टेबल है
उसमें एक बोर्ड रखा हुआ है और उसमें दो आदमी ऐसे चेयर पे बैठकर या स्टूल पे बैठकर किसी भी चीज पे बैठकर खेल रहे हैं उस गेम को। ये हमारा मेन सेटअप है। लेकिन इसी को हम अगर ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहे तो क्या करेंगे, ये थ्री क्वार्टर व्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टेबल है उसको ये सेम पर्सपेक्टिव का यूज करके हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे टेबल एक थ्री क्वार्टर पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। सिंपली रफली एक थंबनेल स्केच बना लीजिए। थंबनेल स्केच क्या होता है, बस हमारे ड्रॉ करने से पहले माइंड मैप जैसा एक बना निकलेगी। तो ये रहा हमारा टेबल, ये थ्री क्वार्टर व्यू में एक 3D व्यू हमें देता है। ठीक है, इसके ऊपर जो बोर्ड होगा हमारा वो ऐसा होगा। इसमें हमें जो दो आदमी की पोजीशन करनी है वो भी सबसे पहले हम चेयर का पोजीशन कर लेते हैं, ऐसा एक स्टूल और दूसरे में ऐसे। और इसमें हम फिर जो इंसान बनाएंगे, एक आदमी फ्रंट से दिख रहा होगा हमें क्योंकि वो हमें फेस कर रहा है डायरेक्टली, और जो दूसरा आदमी है वो हमें बैक साइड से उसका पूरा चेहरा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ये चेहरा दिखेगा और बैक साइड पूरा हमें उसका दिखेगा। तो इससे क्या होगा, एक इंटरेस्टिंग सा पोजीशन बन सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें क्या, कौन सा लैंडस्केप या पोर्ट्रेटिक फॉर्म में हमें इसे करना है। तो अगर हम देखते हैं कि लैंडस्केप फॉर्म में करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा और इसमें फिर बीच में यहाँ पर एक इंसान और यहाँ पर एक इंसान होना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज्यादा वाइड गैप्स आ रहे हैं। मैंने क्या डिसाइड किया है, हम पोर्ट्रेट फॉर्म में करेंगे तो मिडल में ये ऐसे हम जो अपना टेबल है वो बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फिगर्स है वो ऐसे मैप हो जाते हैं। फिर एक आदमी ऐसे खेल रहा है और यहाँ पर और एक आदमी। ये हमारा पूरा सीन का डिजाइन हो गया। इसी के ऊपर अभी हम क्या करेंगे कि हमारा जो मेन पेज है उसके ऊपर सेम आइडिया को यूज करके एक अच्छे से स्केच बनाएंगे और लाइन क्वालिटी के साथ। तो अभी हम देखते हैं कि हम वो कैसे करेंगे। तो हमने जैसे डिसाइड किया था, हमने अपना पेपर पोर्ट्रेट फॉर्म में डाल लिया है। तो इसके बाद हम अभी स्टार्ट करते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि ये जो ऑलमोस्ट हाफ है उससे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे हम स्टार्ट करेंगे अपना जो टेबल है उसे बनाना। सबसे पहले लाइट लाइंस का यूज कीजिए, हल्के से आप लाइंस बनाइए ताकि कोई भी मिस्टेक अगर हो बाद में तो उसको मिटा सके और कोई मार्क्स ना रहे अपने पेपर पे। बस हल्के से आप मैप आउट कर लीजिए जो थ्री क्वार्टर व्यू का बॉक्स मैंने बोला था। अब देख रहे कि हल्का सा मैंने बॉक्स बना दिया है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। बॉक्स को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए
टेबल की थोड़ी सी थिकनेस होती है वो बनाइए। उसके बाद उसके जो पैर होते हैं टेबल के उसको आप बस बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि यही तो हमारे जो मेन पहिया है वो दिखाई देंगे और बाकी हमें उतने अच्छे से दिखाई नहीं देंगे कि जो तो इंसान उसे ब्लॉक कर देंगे, इसलिए हम पहले यही तो बना लिए। इसे थोड़ा सा अच्छे से डार्क कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका जो ड्राइंग है वो क्लीन रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं जो पेपर यूज कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट A3 साइज का पेपर है, क्योंकि आपको ज्यादातर ड्राइंग एग्जाम्स में इसी साइज का पेपर मिलेगा, तो अच्छा है कि आप ऐसे ही किसी पेपर पे अपनी प्रैक्टिस भी कर ले, ताकि अगर आप छोटे या बड़े पेपर में प्रैक्टिस करेंगे तो जो मसल मेमोरी होगी वो नहीं होगी। इस पेपर में प्रैक्टिस करने से एक मसल मेमोरी बैठ जाएगी। तो ऐसे हमने बस टेबल का एक रफ आउटलाइन कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि टेबल के ऊपर के जो एलिमेंट्स है उसके हिसाब से हमें अपने फिगर्स को पोजिशन करना है। तो फिगर्स को पोजिशन करने के लिए पहले हम डिसाइड करते हैं कि वो कैसे बैठे हैं। तो यहाँ पर एक इंसान बैठा होगा और इस तरफ एक इंसान बैठा होगा। सबसे पहले इस तरफ का जो इंसान वो मैंने डिसाइड किया है कि एक स्टूल पे बैठा है, तो ऐसे सेम 3/4 व्यू में स्टूल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने बस एक रफली एक स्टूल का डिजाइन बना लिया है। बस ऐसे बॉक्स के जो डायमेंशन है उसको देखकर, ठीक है, इसके ऊपर हम अभी अपने जो फिगर है उसको प्लेस करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसका जो हेड शेप है उसको कहाँ पर प्लेस करेंगे वो डिसाइड करते हैं। इसके लिए हमने बस एक हल्का सा रफ ओवल काइंड का बना लिया। उसके बाद उसके शोल्डर की जो पोजीशन है वो हम देखते हैं। उसके जो
फेस और शोल्डर का पोजीशन है उसको हम अगर देखें और उसको तीन बार रिपीट करें तो हमें एंड तक आना चाहिए। उसी के हिसाब से हम अपना जो पूरा बॉडी है वो बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने ज्यादा ऊपर या ज्यादा बड़ा बना दिया तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमने क्या किया कि उसको थोड़ा और नीचे बना दिया। यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि ये जो इंसान है इसके ये स्टूल काफी छोटा लग रहा है, इसको हम मिटा देते हैं और बाद में बनाएंगे। अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको आप इसी रफ स्पेस में पूरी तरह से मिटा के ठीक कर लीजिए। थोड़ा सा ऊपर हो से शोल्डर और ऐसे करके अपना हाथ उसने टेबल के ऊपर फैलाया हुआ। ऐसे मैं सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स बना के उसकी जो पूरी बॉडी की फिगर है उसको मैं बनाते जा रहा हूँ। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ कि लाइटली एक शेप्स का यूज करके एक फिगर को मैं ट्रेस कर लूँ, उसके बाद उसके ऊपर पेंसिल से अच्छे से मार्क करने से हमें क्या मिलता है कि एक जो डेफिनेट बॉडी शेप मिल जाता है जिसको कि हम कभी भी यूज कर सकते हैं किसी भी ड्राइंग के कंपोजिशन के पर्पस से। ठीक है, ये रहा हमारा बॉडी का पोस्चर, ये काफी ठीक दिख रहा है बॉडी का पोस्चर। अभी लग रहा है कि ऐसा सच में कोई हो सकता है बैठा हुआ। अगर आप ड्रॉ कर रहे किसी भी फिगर को और आपको लग रहा है कि ऐसे तो कोई बैठ ही नहीं सकता, ये तो रियल दिख ही नहीं रहा है, तो आपको थोड़ी और उस पे काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसको हम और थोड़ा सा नेचुरल कैसे बनाएं। अभी बॉडी का साइज भी मुझे ठीक लग रहा है, तो उसके हिसाब से मैं फिर से अपना हेड को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे हमने अपना ड्राइंग प्लेस कर लिया। इसी तरह से मैं अपने हाथ को भी यहाँ पर ऐसे एंगुलर फॉर्म में डाल देता हूँ। ये बन गया मेरे मेन फिगर का पोस्चर। ठीक है, तो ये हमारे जो सीन का ज्यादातर हिस्सा घेर रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर इसका जूता कुछ भी ये सब हम जो डिटेल्स है वो एंड में अच्छे से बना देंगे, और इसके हिसाब से हम स्टूल का हाइट भी डिसाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है टेबल का हाइट मैंने थोड़ा ज्यादा बना दिया है,
इसलिए स्टूल का हाइट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम चेंज बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूल का हाइट बन जाएगा हमारा। तो ये बनाने के बाद अभी नेक्स्ट सीन जो है कि ये यहाँ पर एक और इंसान बैठा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए इसी के हिसाब से एक लाइन खींचते हैं। जो हमारा पर्सपेक्टिव था, पर्सपेक्टिव को हमें हम पूरे सीन के थ्रू आउट यूज करना है। तो जैसे कि हमारा ये बॉक्स का ये लाइन था, इसी के हिसाब से, और ये जो लाइन है इसका हेडलाइन है, इसके हिसाब से हमारा वैनिशिंग पॉइंट इस तरफ कहीं पड़ रहा है। तो क्या होगा, जो ये लाइन होगा ये ऐसे करके एक्सटेंड होगा, तो यह इसका जो हेड होगा, अगर मैं सोचूं कि ये दोनों सिमिलर हाइट के हैं, तो इसका जो हेड होगा वो इस तरफ होगा। तो ऐसे करके मैंने इसका हेड से बस बना दिया, इतना बस, हल्के से हेड का पोस्चर दे दिया। उसके ऊपर मैं पूरा बॉडी डिपेंड करता हूँ, तो शोल्डर की लाइन बना दी मैंने, उससे फिर हाथ के लिए एक पोस्चर, और ये हाथ ऐसे करके टेबल से जाके ऊपर, इसमें कुछ पकड़ा हुआ है, जैसे कि कोई ग्लास हो, कुछ जूस का ग्लास हो या फिर कुछ भी पकड़ा हुआ, क्योंकि ये दोनों मिलके कुछ खेल रहे हैं, शाम को से चिल आउट करने के लिए या किसी चीज के लिए ऐसे खेल रहे हैं। तो साथ में इनके अंदर कुछ इंटरेस्ट ऐड करने के लिए ऐसे कुछ ग्लास पकड़े हुए हैं, ये इन्होंने चाय पी रहे या कुछ और सम बना सकते हैं। और देखिए मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा से हंच्ड बैक कर दिया है, इसे थोड़ा सा पीछे पोजिशन में कर दिया है, ताकि लगे कि ये काफी रिलैक्सडली बैठा हुआ है। और ऐसे करके फिर उसके लेग्स की पोजीशन भी बना देते हैं, उसके हैंड्स ऐसे ट्राइंगल्स बना देते हैं इसके हैंड की पोस्चर के लिए। उसके बाद यहाँ से इसकी जो लेग्स है वो फिगर आउट हो जाए, काफी हल्के हल्के से क्या कर रहा हूँ मैं, बस एक स्ट्रक्चर फिगर आउट कर ले रहा हूँ कि कहाँ पर कौन कैसा होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फाइनल होने के बाद हम पूरे डिटेल्स के साथ बना सकते हैं अपने ड्राइंग को। तो यहाँ पर फिर उसका स्टूल हो जाएगा, स्टूल के जो टेबल के नीचे के पार्ट की पर्सपेक्टिव है उससे एक्यूरेट मिलना चाहिए, क्योंकि उसके अगर नीचे ये चले जाए तो काफी अननेचुरल दिखेगा। ठीक है, ये हमारा पूरा सीन रेडी है। इसके बाद आप पीछे कुछ दिखाने के लिए सेम पर्सपेक्टिव का यूज करके ऐसे बना सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारा मेन सीन एक सेटअप हो गया रफली। तो इसके ही हिसाब से अभी हम क्या करते हैं, हमारा मेन ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा क्लीनली। तो सबसे पहले इस आदमी से स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको एक दोनों को एक एजेड टाइप ऑफ पर्सन बनाना चाहते हैं, जो कि शाम को बैठकर रिटायर्ड हो गया होंगे शायद, और शाम को बैठकर खेल रहे हैं और साथ में कुछ पी रहे हैं। तो इसी तरह से एक स्टोरी बना लेते हैं माइंड में, ताकि पूरा सीन हमारे लिए क्लियर हो, और एक का एज कम एक का एज ज्यादा वैसा ना हो, दोनों का एज सेम हो, ताकि दिखने में अच्छा लगे। हम क्या करते हैं, उनके शर्ट से स्टार्ट करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा सेम पेंसिल को थोड़ा सा डीपली और लाइटली डिफरेंट जगहों पर प्रेस करके एक लाइन क्वालिटी का यूज करके एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ शर्ट के लिए, क्योंकि ये जो पार्ट है मतलब जो शोल्डर ब्लेड्स के, इसी तरफ शर्ट थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है, इसलिए ऐसे मैं इसको फोल्ड्स दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर लाइटली आप फोल्ड्स दिखा सकते हैं, तो डिटेल में मत जाइए, लेकिन थोड़ी बहुत दिखा सकते हैं। हाँ, तो इसी तरह से हम फिगर को ऐसे फोल्ड्स के साथ
स्ट्रोक का यूज करके दिखा सकते हैं, और जो छोटे मोटे बैकग्राउंड के लाइंस थे आप उसको हल्के से मिटाते जाइए। तो इससे क्या होगा, हमें एक प्रोफेशनल और काफी क्लीन लुक मिलता है। ठीक है, ये अच्छे से हमें दिखने लगा यहाँ पर, क्योंकि ये शर्ट अंदर घुसा हुआ है, मतलब टक्ड है, अंडर सूटिंग किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी कुछ फोल्ड्स थोड़े मोड़े दिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे फोल्ड्स। ठीक है, तो ये शर्ट थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखने लगा है, इसको और ज्यादा भी हम बना सकते हैं, लेकिन जितना है बस उतना छोड़ दीजिए। ऐसे ही कुछ और इस पे इंटरेस्टिंग चीजें डाल सकते हैं शर्ट में, लेकिन हम इसमें छोड़ते हैं। अभी जो उसका मेन फेस है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको और थोड़ा इंटरेस्ट ऐड करने के लिए एक हेड बना देते हैं इनके ऊपर। यहाँ पर ऐसे एक हेड बना देते हैं ऐसे, और ये रहा जो ओल्ड पर्संस, कुछ रिच ओल्ड पर्सन जैसे हैट पहनते उन्हें हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अभी उनका जो ये फेस है, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये बस थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, तो हमें बस थोड़ी सी ही काम करनी है। यहाँ पर थोड़ा सा कान बना देते हैं उनका, जहां से हल्के से उनका बाल का जो लाइनिंग है वो दिख सके। यहाँ पर आई की जो लाइनिंग है वो दिखा दीजिए, और या पर चीक्स को ऐसे करके बना दिया। इसके बाद उनकी जो नाक है उसको हल्के से यहाँ पर दिखा दीजिए, और चाहे तो थोड़ा सा चश्मे का फील भी यहाँ पर दे सकते हैं, क्यों वो कोई चश्मा पहने हुए है। ठीक है, इतना काफी होगा उनके फेस के लिए। अगर आप चाहे तो उनके हेयर को ऐसे करके हैचिंग का यूज करके बस दिखा सकते कि ये ब्लैक आउट है। ठीक है, इतना हमने बना लिए उनके फेस के लिए। अभी उनके जो बैठने की पोस्चर है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने शर्ट को अंदर टक्ड इन किया हुआ है, तो बेल्ट भी पहना होगा, तो उसी तरह से हमने क्या किया, एक बेल्ट के लिए लाइन दी, और यहाँ पर ऐसे डिटेल्स को काफी आसानी से बस कुछ स्ट्रोक्स का यूज करके बना दिया। आपको परफेक्ट नहीं बनाना है, उसके बाद सेम जैसे हमने अपने शर्ट को बनाया था उसी तरह से हम अपने पूरे जो पैंट है उसमें भी कुछ छोटे मोटे स्ट्रोक्स का यूज करके, जब हम पूरा स्ट्रक्चर बना रहे थे तो हमारा लाइंस काफी स्ट्रोकी था और काफी इधर उधर जा रहा था, लेकिन जब हम फाइनल जो ड्राइंग का ये स्टेज है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे लाइंस है उसे काफी क्लीन, थोड़ा डीप और काफी कंटिन्यूअस बना रहे हैं। ठीक है, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, इस तरह से इनका जो पॉकेट होगा वो इस तरफ होगा, और अगर आपने कभी कभी देखा हो अपने दोस्त का या अपना पॉकेट, अगर आपने फॉर्मल पहना हुआ है तो अगर आप ऐसे कोई स्ट्रेच पोजीशन पे बैठते हैं तो वो पॉकेट भी काफी स्ट्रेच्ड हो जाता है। ऐसे एक ट्रायंगुलर फॉर्म बना लेता है। आपको ये सब पॉस्चर फोल्ड्स कपड़ों के सब देखने के लिए काफी स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करने का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा कुछ मेहनत करनी है, जब आप कहीं बैठे हुए हैं क्लासरूम में या किसी ट्रेन में या बस में, तो बस लोग को देखते रहिए कि वो कैसे बैठे हैं, उनका कपड़े कैसे फोल्ड हो रहे हैं, उनकी जो बैठने की पॉस्चर है वो रिलैक्स्ड है कि स्टिफ है, तो उस सब को आप देखने लगेंगे अगर, तो एक एक पोजीशन आपको मिलता जाएगा, और जब भी आप नया पोज बनाएंगे, कोई ये सीन बनाएंगे, वो काफी रियलिस्टिक और डायनामिक बना पाएंगे। और यहाँ पर ऐसे एक फोल्ड बना। ठीक है, इसी तरह से हम
इसको हल्के हल्के फोल्ड्स के लाइंस बनाते हुए ये खत्म करते हैं। तो क्या हमारे पास आ गया एक पूरा जो फिगर है, इसके साथ अभी इसका हाथ भी आप बना सकते हैं। पर एल्बो के लिए और ये यहाँ पर ये इतने सूट फूट में है तो ऐसा भी लग सकता है कि शायद ये कहीं कोई जॉब से आए हो या कोई ऐसे ही तरह से कोई जॉब से आकर अभी बैठे हैं अपने दोस्त के साथ कुछ खेलने के लिए उसके घर में। तो ऐसे आप कोई स्टोरी बनाइए ताकि आपको एक पूरे सीन का एक दिमाग में आइडिया हो जाए कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप बस रैंडमली बनाने लग जाए तो कुछ देर के बाद आपको जब एलिमेंट्स ऐड करने होंगे इसमें इंटरेस्ट के तो फिर कंफ्यूज होंगे कि क्या डालूं। अगर जिस जगह पर जो चीज बिलोंग नहीं करता आप वो जगह पर वो चीज डाल देंगे। तो ऐसे सब कुछ बनाए तो क्योंकि ये उसका लेफ्ट हैंड है तो आप क्या कीजिए छोटी सी उसकी घड़ी भी बना दीजिए, ठीक है, सिंपली ऐसे। और यहाँ पर जो उसका हाथ था उसके हाथ को आप आसानी से बस कुछ शेप्स में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हाथ को डिटेलली बनाने जाएंगे तो एक फेस में जितना बनाने में टाइम लगता है एक हाथ को भी अच्छे से बनाने में उतना टाइम लग सकता है। तो आप क्या कीजिए बस कुछ स्ट्रोक्स का यूज करके हाथ की जो पोजीशन है उसको दिखा दीजिए। ठीक, तो ये हमारा पूरा जो ये आदमी का फिगर का पोजीशन और सब कुछ बन गया। तो इसके साथ साथ जो इसका स्टूल का वो भी हम बना लेते हैं। जितना हो सके आप पर्सपेक्टिव का ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत ऑफ होने से चलता है लेकिन अगर पर्सपेक्टिव आपका पूरा ऑफ हो ना तो पूरा सीन ही देखते में लगेगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ये अब मैं रफली स्टूल बना लिया है। इसके बाद आप टेबल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टेबल की जो लाइंस है उसको भी थोड़ा डार्क कर दीजिए ताकि ये टेबल हमें अच्छे से दिखने लगे, क्योंकि यही पे हमारा जो गेम है वो खेला जा रहा है। ठीक है, टेबल हमने ऊपर से बना दिया। तो इसके बाद यहाँ पर जो गेम है उसका जो बोर्ड है उसको आप बनाइए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हमारा हाथ थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, इसे ठीक कर देते हैं, इसे छोटे छोटा कर देते हैं, तो हाँ वो ठीक है। यहाँ पर इसके बाद जो सेम पर्सपेक्टिव का टेबल का उसको भी हम यूज करके यहाँ पर एक बोर्ड बनाते हैं। कुछ कोई भी गेम का बना सकते हैं, चेस, लूडो, कुछ भी,
ऐसे बस एक बोर्ड बना लेते हैं। इसके बाद अभी आप बोर्ड के अंदर कुछ भी डिटेल बनाना चाहे, इसकी लूडो के लिए आप ऐसे कुछ बॉक्सेस बना दीजिए, ये चलता है, आपकी मर्जी है, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं। इसके बाद ये वाला लाइन भी टेबल का आप थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा जो टेबल है वो बन चुका है। इसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि कोई एक कटोरा रख दिया आपने, इसके ऊपर कुछ खाने के लिए हो, थोड़ा बहुत कोई भी इंटरेस्ट ऐड करने के लिए कुछ भी, कि मैंने बोला था कि वो लोग चाय पी रहे थे, तो ऐसे कुछ ग्लासेस रख दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो ह्यूमन का नेक्स्ट फॉर्म है उसके ऊपर हम आ चुके हैं। तो आप ये टेबल की जो शेडो है बस उसको दिखाने के लिए ऐसे हल्के से शेड भी कर सकते हैं, ताकि डिस्टिंग्विशेबल हो। बस ऐसे बस सिंपली इसे हमने बना दिया, इस टूल का भी जो है। ठीक है, ये रफली हमने बना दिया। इसके बाद ये जो इंसान है इसके ऊपर हम आते हैं, को भी हम सेम एज का बनाना है। तो यहाँ पर हम 30-40 इयर्स का को दिखाते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा, क्योंकि इनका फेस दिखाना है तो कुछ और अच्छे से इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। क्या करते हैं, जो हेड है उनको उसको हम बोल्ड बना देते हैं, यानी कि टकला, लेकिन थोड़ा सा बस बाल दिख रहा होगा, इसे एक शेप बना देते हैं हेड का। उसके बाद ऐसे यहाँ पर गला को एक्सटेंड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर कान के लिए ऐसे कर देते हैं और आई लाइन, नोज लाइन, माउथ लाइन बना देते हैं, और ये रहा सेंट्रल लाइन। इसके बाद यहाँ पर कलमे बना देते हैं और थोड़े से बाल के लिए मार्क्स बना देते हैं। इससे क्या होगा, उनकी एक एजेड लुक हमें देने में आसानी होगी। इससे डिफरेंट हेयर स्टाइल और डिफरेंट छोटे मोटे डिफरेंसेस बना के आप सेम फेस का यूज करके, सेम स्टेप्स का यूज करके कोई भी फेस अच्छे से बना सकते हैं। इनकी आईब्रोज को हम थोड़ी सी सोचने वाली बना देते हैं, नाक या से ऐसे एक्सटेंड की हुई, ऐसे बस आउटलाइन नाक की। आप उनकी मूंछ भी बना सकते हैं, तो उससे क्या होगा, जो लिप्स के पार्ट है उसको बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इनको भी चश्मा दे सकते हैं या तो ना भी दे, बस सिंपली इसमें एक थोड़ा सा आंख बना सकते हैं। नीचे लग रहे हैं मैंने क्या किया, सिंपली बस एक थोड़ा बहुत कुछ यूज करके ने बना दिया। आप इनके बाल को भी थोड़ा सा दिखा सकते, बस ऐसे हमने इनका भी एक लुक बना दिया। इसके बाद इनका बॉडी पोस्चर, ये उतने हेल्दी नहीं, थोड़े पतले सतले हम बनाते हैं, ताकि जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का एक फील आता है। तो क्या करेंगे, इनकी जो शर्ट है ना, इन्होंने जो शर्ट पहना हुआ है या टी शर्ट पहना हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, जो शोल्डर है उस तरफ से थोड़ा फूला फूला दिखा देंगे। तो
क्या होगा कि लगेगा कि इनके शोल्डर से होके ये शर्ट काफी एक पतले हाथ को होल्ड किया हुआ है। ऐसे बस कुछ फोल्ड्स दिखाते हैं, बस सिंपली कुछ बोल्ड स्ट्रोक्स का यूज करके। उसके बाद ये जो शोल्डर है थोड़ा ऐसे ऊपर है क्योंकि थोड़े से हंच्ड बैक हुए पर है, मतलब थोड़े से रिलैक्स्ड पोजीशन पे है। यहाँ से इनका नेक लाइन बना दीजिए। सकते हैं और ये रहा इनकी जो गले की जो यहाँ पर बोन स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा दिखा दीजिए ताकि ये थोड़े से और पतले लग सके। ये वाला शोल्डर ऐसे करके ये हाथ को एक्सटेंड कर तो ऐसे। हाँ, और फिर यहाँ पर इनका जो शर्ट की लाइनिंग है ऐसे बना दीजिए। फिर यहाँ से इनकी जो शर्ट की चेस्ट की एरिया उसको आप ऐसे बनाइए और फिर इस हाथ का आप आउटलाइन बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने उनका जो एक पॉइस्चर है वो सेट कर दिया। इसके बाद आप थोड़े बहुत डिटेल्स दे सकते हैं, जैसे कि अगर उन्होंने कोई लूज शर्ट पहना हो तो अगर वो हंच बैक होके बैठे हो तो कैसे फोल्ड आएंगे उनके शर्ट पे, आप थोड़ा बहुत सोच के ऐसे बना सकते हैं। पर उनकी जो ग्लास बनाई है उसके बाद उसी के अराउंड एक हाथ का बना दीजिए कि मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि वो अपने हाथ से कुछ एक ग्लास कुछ पकड़े हुए होंगे। यहाँ पर उनका जो फिंगर होगा और अराउंड उनका हाथ ऐसे चल उस एंगुलर फॉर्म में बना दिया। उतना डिटेल देने की जरूरत है, ये हाथ भी उनका वैसे ही स्टूल को पकड़े हुए, जैसे कि जब हम कभी बैठ रहे हैं रिलैक्सली क्या करते हैं अपने जो चेयर है तो स्टूल को ऐसे पकड़े रहते हैं, उसी को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, तो वो ऐसे बैठे हुए हैं, ये हमने बनाया। ठीक है, तो इनका भी पोजीशन ऑलमोस्ट बन चुका है, बस अब इनके बैठने का पोजीशन हमें बनाना है। तो इनके लेग्स का पोजीशन ऐसे बस सिंपली थोड़े नए से दिखा दीजिए।
उसके बाद उनका जो पैर था, उनका पैर में कुछ जूता या चप्पल उन्होंने पहना होगा, उसके हिसाब से आप क्या कीजिए, ऐसे उनका पैर का एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से पोजीशन बना दीजिए कि ऐसे उन्होंने पैर किस डायरेक्शन में रफली रखा हुआ है। जैसे कि अगर हम कभी रिलैक्स भी बैठते हैं तो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अपना पैर रख देते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर उनका दूसरा पैर होगा, लेकिन उसको आप बस ऐसे लाइटली ड्रॉ कर दीजिए, उसको उतना अच्छे से बनाने की जरूरत नहीं है, सही उसका पैर बना दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिटेल दे सकते हैं, सब कुछ उनका पैर बस रफली बना दीजिए। इसी तरह से जो उनका दूसरा पैर होगा वो ऐसे करके जाके पीछे से इधर उनका दूसरा पैर थोड़ा सा आप बना दीजिए व्यूअर को, बाकी अपना माइंड खुद बना दे। इसके ऊपर अभी जो उनका स्टूल था उसको भी आप ज्यादा डिटेल मत कीजिए, बस ऐसे डार्क लाइंस देके बना लीजिए, क्योंकि मेन जो क्या होता है हमारा नोटिस जाना चाहिए वो इस पार्ट पे जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम स्टूल को थोड़ा सा बना देते हैं। ऐसे हमारा सीन सेटअप हो गया। कुछ और अगर लाइंस वाइंस या कुछ जो हमने पहले बनाए थे वो लाइंस कुछ अगर दिख गया तब से मिटा सकते हैं, जैसे कि वैनिशिंग पॉइंट को समझाने के लिए हमने जो लाइंस बनाए थे उसको हम मिटा सकते हैं। और ऐसे हमारा जो मेन सीन है वो रेडी हो चुका है। अभी हमारा ड्राइंग तो ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन जो बैकग्राउंड में कुछ आइटम्स अगर हम ना बनाए तो ऐसा लगेगा कि ये कहाँ बैठे हैं, कुछ आइडिया ही नहीं मिलेगा व्यूअर को। उसके लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड में एक घर का सीन बना देते हैं। तो बैकग्राउंड में ये ही पर्सपेक्टिव का ध्यान रख के ऐसे एक पीछे शेल्फ का जैसे बना देते हैं, शेल्फ जैसे की पूरी तरह से पास होना। उस शेल्फ के ऊपर आप कोई भी जैसे कि एक फ्लावर पॉट या फिर कुछ रख दीजिए, कुछ भी फिर यहाँ पर शायद जैसे घरेलू आइटम्स कुछ प्लेट्स से रख सकते हैं कुछ भी, या फिर यहाँ पर जैसे ट्रे रख सकते हैं जहां पर कुछ सामान रखा हो सकता है, जैसे कि कुछ ग्लासेस से रफली में बना रहा हूं अभी। वो सब जो एरिया है उनका आपको रफली ही बनाना है, क्योंकि आपको वहां पर ध्यान नहीं ले जाना है, बस एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए और एक सीन का व्यू देने के लिए आप उन्हें बना रहे हैं। यहाँ पर एक कुछ बोतल से बना दीजिए, सही ट्रे के ऊपर कुछ रखा हुआ है। तो इसी तरह से आप कुछ और इंटरेस्ट डाल सकते हैं, यहाँ पर कुछ नॉब्स बना सकते हैं, शायद किचन में बैठ के खेल रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ओवन या कुछ हो, यहाँ पर गैस स्टोव या कुछ हो सकता है, और यहाँ पर कुछ ऊपर के कुछ शेल्व्स हो सकते हैं। हम कैसे देख रहे हैं, थ्री क्वार्टर व्यू, मतलब एक क्यूब के ऐसे ऊपर से ये जो चीजें होंगी
ये उसी पर्सपेक्टिव में अच्छी लगेगी। और यहाँ पर आप कुछ ऐसे पोस्टर्स भी बना सकते हैं टंगे हुए। ठीक है, तो ऐसे हमारा सीन जो है रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने एक रफली आपको कम टाइम में बता दिया कि आप कैसे किसी सीन को इंटरेस्टिंग पोज में, एक अच्छे से डायनामिक पोज में बना सकते हैं किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम ड्राइंग का उसके लिए। तो ये हमारा ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। तो इसी तरह से हम अपने जो ड्राइंग्स हैं उनको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम कोई भी सीन अपने माइंड से बना सकेंगे। इसका जो दूसरा लेग है वो हम थोड़ा सा बनाना भूल गए थे, तो थोड़ा सा टेबल की इस तरफ से आप बस कुछ मार्क्स बना दीजिए इसके लेग के लिए, ताकि एक आइडिया मिल जाए व्यूअर को कि यहाँ पर उसका लेग। तो इस सीन को हमने ऐसे बना दिया। तो इसी तरह से आप कोई भी सीन लीजिए, उसके हिसाब से आप स्टोरी बोर्ड बनाइए और कुछ भी अपने माइंड में मैप करके फिर एक सीन से आप पेपर पे उतार दीजिए। इसी तरह से जैसे कि पिछले जो मेरा ड्राइंग था उसमें मैंने क्या किया कि दो आदमी ऐसे बैठा हुआ है, साइड में चिप्स का पैकेट या फिर वैसे ही कुछ रफ छतरी के डिजाइन वैसे कुछ डाल के सीन को इंटरेस्टिंग बना दिया था। नीचे उनका बैग गिरा हुआ है, कुछ भी आप ऐसे डाल सकते हैं। यहाँ पर भी आप कुछ बैग्स वैग्स कुछ भी डाल सकते हैं, बैग्स बना दिया, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो ऐसे ही आप इंटरेस्टिंग सीन्स बनाइए अपने BFA के लिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इससे आपका स्किल भी बढ़ेगा और आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर आपका लाइन ड्राइंग ऐसे अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप बना पाएंगे तो वाटर कलर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे सीन्स कुछ और बनाना देखेंगे। सो थैंक यू एंड गुड बाय।